पहले करण मेहरा और निशा रावल, फिर नुसरत जहां, निखिल जैन और इंद्रनील बरखाविस्ट के तलाक की खबरें आई कि अब एक और चौथी जोड़ी के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार इंडस्ट्री में एक के बाद एक तलाक की खबरें आ रही हैं। अब की बार मशहूर एक्ट्रेस कृति कुल्हारी और साहिल सहगल के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। कृति और साहिल सहगल 5 साल से शादी के रिश्ते में बंधे थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, अब ये जोड़ी एक दूसरे से दूर हो चुकी है। शादी के 5 साल में ही इस जोड़ी के अलग होने से फैंस भी हैरान हैं। कृति ने पति से अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी। अपनी टूटी शादी पर बात करते हुए कृति कहती हैं कि शादी से निकलने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। फिलहाल कृति अपने इस फैसले से काफी खुश है, लेकिन उनका कहना है कि शादी खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी थी। ये शादी करने के फैसले से ज्यादा कठिन था। जब एक साथ हम जुड़ते हैं और परिवार की खुशियों के साथ एक साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन ये काफी दुखद और तनावपूर्ण होता है जब आप इन सब चीजों को पीछे छोड़ रहे होते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं खुश हूँ। कृति आगे कहती है कि परिवार टूट जाते हैं, बहुत ही कठिन निर्णय होता है। फिर मैंने सोचा कि जब साथ आने का फैसला भी मेरा था, तो अलग होने का निर्णय भी मेरा ही होना चाहिए। हालांकि वक्त लगता है, लेकिन कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, और उनका जाना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि इस निर्णय के परिणाम के लिए भी मैं तैयार थी। ऐसे कई फैसले होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं और हर समय आपके सामने दुख के रूप में आ जाते हैं, लेकिन आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपने सही काम किया है। आपने वही किया है जो आपके लिए सही था, और आपको वो करना ही था। बता दें, कृति ने पति से अलग होने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने लिखा कि मैंने और मेरे पति साहिल ने अलग होने का फैसला कर लिया है। कागज पर नहीं, बल्कि जीवन में किसी के साथ होने से ज्यादा मुश्किल फैसला होता है किसी से अलग होना, लेकिन अब उसको बदला नहीं जा सकता। वो सभी लोग जिन्हें मेरी फिक्र है, बता दूं मैं ठीक हूं। कृति ने ये तो नहीं बताया कि वो अपने पति से क्यों अलग हुई है, लेकिन वो बार बार यही कह रही है कि उनका अलग होना ही ठीक है और वो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आपको बता दें, कृति कुल्हारी की गिनती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से आती है जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों का दिल जीता है। जिस भी फिल्म या सीरीज में कृति ने काम किया, चाहे वो सुपरहिट हो या ना हो, लेकिन उनके किरदार को हमेशा पसंद किया गया है। इसके अलावा कृति अपने लुक्स को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती है। कृति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति ने साल 2010 में फिल्म खिचड़ी द मूवी से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद कृति फिल्म पिंक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, शैतान, इंदु सरकार, ब्लैकमेल, द गर्ल ऑन द ट्रेन, कमीना, जल, सुपर के ऊपर जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। तो आप भी इस एक्ट्रेस को लेकर अपनी राय जरूर दें। जहाँ एक तरफ बीमारी से लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ तलाक दो जिंदगियों को दूर कर रहा है। हाल ही में करण निशा, नुसरत जहाँ और निखिल जैन के तलाक की खबरें सामने आई थी कि अब एक और स्टार का नाम इस तलाक की लिस्ट में जुड़ गया है। जी हाँ, टीवी के कपल गोल कहे जाने वाले इंद्रनील और वर्खा अब जल्दी तलाक लेने वाले हैं। जी हाँ, ये जोड़ी भी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर होने वाली है। इस कपल की ये खबर सुनकर हर कोई शॉक रह गया। फैंस को बड़ा झटका लगा है। ऐसा पता चला है कि कपल के बीच काफी टाइम से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंद्रनील सेन गुप्ता और बरखा के तलाक की खबरें सामने आने के बाद इंद्रनील ने भी चुप्पी तोड़ी है। इंद्रनील का कहना है कि वो और बरखा साथ में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में बात करते हुए इंद्रनील कहते हैं कि बरखा और मेरी शादी के बारे में इस तरह की अफवाहें मैंने भी सुनी। मुझे पता चला कि मीडिया में ये खबरें छा जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंद्रनील से पूछा गया कि क्या वो अलग रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक साथ हैं और इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इंद्रनील का ये जवाब सुनकर लोगों को आशंका भी हुई। इंद्रनील का नाम कोलकाता की रहने वाली एक एक्ट्रेस से जोड़ा जा रहा है। इस बारे में वो कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे तो कोलकाता जाना होगा, है ना? मैं आखिरी बार फरवरी में कोलकाता गया था। और ऐसी खबरें इंडस्ट्री के लिए आम है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर एक सूत्र ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें नया क्या है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सीरियस बात है। वो सोशल अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं, साथ ही वो कई फोटो भी पोस्ट करते रहते हैं। इंद्रनील और बरखा टीवी के शो प्यार के दो नाम एक राधा और श्याम के दौरान मिले थे। शो खत्म होने के बाद उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ
और 1 मार्च 2008 को वो शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों की 5 साल की एक बेटी भी है। इंद्रनील बंगाली फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने हिंदी में फिल्म मुंबई सालसा, कहानी, सत्यग्रह, कैलेंडर गर्ल्स, मुल्क में काम किया। इंद्रनील कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें बनू मैं तेरी दुल्हन, नच बलिए 3, मायका, जमाई राजा, निमकी मुखिया जैसे कई शोज शामिल है। तो आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। लो भाई, एक और जोड़ी तलाक की लिस्ट में जुड़ गई है। जी हाँ, ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की है। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाई साफ बता रही है कि अब ये पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते। जी हाँ, अब इस जोड़ी में एक होने की गुंजाइश शायद खत्म हो गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग थी। अब इन्होंने ये सबके सामने बात क्लियर कर दी है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नुसरत ने पति के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया, जहां नुसरत ने कोर्ट और भरी महफिल में निखिल जैन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तो वहीं निखिल जैन ने भी सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ के सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर से भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि नुसरत और निखिल के बीच काफी वक्त से संबंध नहीं है, जबकि वो इस साल एक्टर यश दास गुप्ता को डेट कर रही है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नुसरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये खबर नुसरत ने अपने पति निखिल से छुपा कर रखी। जब ये बात पति निखिल को पता चली तो नुसरत ने उन पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। बुधवार को एक बयान जारी कर नुसरत ने अपनी शादी को मान्य नहीं बताया। कहा कि वो अपने पति निखिल जैन से काफी वक्त से अलग रह रही है। पिछले काफी वक्त से नुसरत और निखिल के अलग होने की खबरें आ रही थी। बुधवार को नुसरत जहां ने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने रखते हुए ऐलान किया कि वो पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यश दास गुप्ता संग रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं खोली। नुसरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि निखिल जैन उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे थे। शादी के बारे में बड़ा धमाका करने के बाद नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ नुसरत ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाऊंगी जो अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेश में शादी करने और भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने से निखिल जैन संग उनकी शादी माननीय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके पारिवारिक जेवर, कपड़े और कई चीजें निखिल और उनके घर वालों के पास हैं। नुसरत जहां को अपनी शादी के लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा है। उनके नए फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग उनके पति निखिल के बारे में कम बल्कि उनके बॉयफ्रेंड यश के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोगों को इसमें राज छुपा दिख रहा है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक निखिल का बयान सामने नहीं आया है। यकीनन निखिल कुछ ना कुछ नुसरत की प्रेगनेंसी पर धमाकेदार बयान देने वाले हैं। शायद इसलिए नुसरत ने निखिल पर ऐसा आरोप लगाया। पहले इस वक्त इस जोड़ी को लेकर लोग घबराए बैठे हैं कि ये जोड़ी ऐसा कैसे कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें।